मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता रहा हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं अभी इंडिया में हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, तो मैं एक इन पर्सन डाउट क्लियरिंग सेशन प्लान कर रहा हूँ। एक तो मेरी डबलिन टू दिल्ली वाली वीडियो आ जाएगी, अगली वीडियो वही होगी मोस्ट प्रोबेबली, और मैं एक इन पर्सन डाउट क्लियरिंग सेशन और ऐसे स्मॉल गेट टुगेदर जो लोग आयरलैंड आ रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आयरलैंड आने के लिए, उनके लिए मैं अभी प्लान कर रहा हूँ। अभी आज क्या है, 11th January आज, मैं परसों या तरसों लाइक 13th-14th January में से एक दिन ये प्लान करूंगा, फाइनल है मेरा, मैंने कर रखा है। तो मैं उसके लिए एक फॉर्म डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको आना है उसमें तो उसमें फॉर्म फिल कर देना पूरा, और मेरे दोस्त वगैरह भी होंगे वहाँ पे, तो आपको कोई भी जैसे CV में हेल्प चाहिए, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में जानना है कैसे प्रोसेस वगैरह रहती है, और जॉब्स पार्ट टाइम वगैरह वहाँ पे आपके कितने एक्सपेंसेस लगेंगे, क्या अकोमोडेशन है, कैसे करना है, सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर होंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग रह रहे होंगे वो आएंगे। अभी कौन कौन आ रहा है पता नहीं, मैं तो पक्का आऊँगा, तो उसमें अगर आपको आना है तो ये फॉर्म मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले फॉर्म फिल कर दो ये वाला, और मिलते हैं सैटरडे संडे में से एक दिन, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने एम्प्लॉयमेंट वीजा में काफी सारे चेंजेस, लार्जेस्ट एवर एक्सपेंशन अभी इंट्रोड्यूस कर, ऑक्यूपेशनल एक्सपेंशन में 43 न्यू एम्प्लॉयमेंट परमिट इन्हें नहीं मिल पाता था आसानी से, अब इन्हें ये चेंज करके इन्होंने कर दी है 34th आपकी मिनिमम सैलरी, अगर 34,000 सेम चीज क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट परमिट के अंदर चले, वो तो काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स के फेवर में थी। तो अब इसके थोड़े बेसिक एडवांटेजेस पे आज, इंटर्न काफी ज्यादा जॉब्स इंक्रीज, फिर इनका एक और एम ये है जो इनकी हाउसिंग क्राइसिस, आप लोगों पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, गवर्नमेंट का सीधे प्लान है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ा, और ज्यादा आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दिखेंगे 2025 तो ये सैलरी और बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी आप अच्छी खासी कमा। नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है जो एंट्री, तो कंपनीज ट्राई करेंगी कि अगर थोड़े ज्यादा पैसे दे रही है तो, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आज है 11th January और मेरे से काफी मतलब 2 हफ्ते पहले अराउंड आयरिश गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयमेंट वीजा में काफी सारे चेंजेस करे हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि वो चेंजेस अच्छे हैं नहीं है, लोग काफी लोगों के काफी सारे ओपिनियंस हैं, मेरे से काफी लोग पूछ रहे थे बहुत टाइम से कि ये क्या चेंजेस हैं, कैसे इम्पैक्ट करेंगे आयरलैंड में, जो भी आ रहे हैं, मोस्टली डाउट्स तो उन लोगों को थे जो प्लान कर रहे अपना आयरलैंड आना भी, तो उन लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि जो चेंजेस हुए उन पर वीडियो वगैरह बना दो एक, तो आज मैं उसी पर पूरी वीडियो बना रहा हूँ कि आयरिश गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं और इम्प्लीमेंट कब होंगे, 2024 में क्या रहेगा उनका, 2025 में, और जैसे जैसे ईयर्स आते रहेंगे उनका क्या प्लान है। तो ये सब उन्होंने एक वेबसाइट में अपना पूरा एक स्पीच भी डाली थी जो उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट में दी थी, और पार्लियामेंट में दी थी या पता नहीं, जो वहाँ का मिनिस्टर है डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने अभी वहाँ पे स्पीच दी थी एक, तो उसमें काफ़ी सारा बताया है कि क्या ऐड कर रहे हैं इससे, किस पे क्या चेंज होएगा, वही सब है पूरी स्पीच में, तो स्पीच के लिंक तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। बाकी जो मैं सिन पर कर पा रहा हूँ वो सब मैं बताता हूँ कि भाई मेरे को क्या लग रहा है सही है नहीं है। हाँ, तो जैसा आप लोगों को पता ही, आयरलैंड अपने एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम में लार्जेस्ट एवर एक्सपेंशन अभी इंट्रोड्यूस करा है, तो क्या है वो, उसमें क्या की चेंजेस हैं, तो पहला की चेंज है ऑक्यूपेशनल एक्सपेंशन में 43 न्यू ऑक्यूपेशन को एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए एलिजिबल कर रहे हैं। ये कहाँ से रेंज कर रहे हैं, इंजीनियर्स मैकेनिक्स टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, तो अब उन्हें एलिजिबल कर दिया है, जैसे ये लोग हो गए इलेक्ट्रिशियंस हो गए, मेटल वर्कर्स हो गए, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स हो गए, इन सब के लिए पहले ये सब नहीं होता था, इनको अलग से कुछ करना पड़ता था, तो एम्प्लॉयमेंट परमिट इन्हें नहीं मिल पाता था आसानी से, अब इन्हें एम्प्लॉयमेंट परमिट मिल जाएगा, जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट। फिर जो मेजर चेंज है, सबसे मेजर चेंज है, जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट की सैलरी थ्रेशोल्ड थी, जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट की सैलरी थ्रेशोल्ड जो थी वो पहले थी 30,000 यूरोज, आप 30,000 यूरोज पे इस वीजा के लिए जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये चेंज करके इन्होंने कर दी है 34,000, और ये इम्प्लीमेंट होगी January 2024 से, अभी January 17th के आसपास करने वाले हैं, और 2025 तक इसका बढ़ाने का प्लान है 34,000 से 39,000। तो आप जहां पे भी काम कर रहे हो, कहीं भी आप काम कर रहे हो, आपकी मिनिमम सैलरी अगर 34,000 से कम है तो आप जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप वहां पे लॉन्ग रन में काम नहीं कर सकते, जो आपका स्टे बैक मिलता है आप उसी में काम कर सकते हो, उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते वहां पे, तो ये एक मेजर चेंज है।
सेम चीज क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट परमिट के अंदर हुई है। क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट परमिट के अंदर आपका पहले सैलरी थ्रेशोल्ड था 32,000 पे आप स्पॉन्सर वगैरह कर सकते हो खुद को या फिर कंपनी आपको कर सकती है, ये बढ़ा के कर दिया है 38,000, तो एक मैसिव जंप मारा है। और 2025 तक अगले साल तक इसे कर देंगे 44,000, तो और 6,000 यूरो बढ़ा दिया। तो ये बहुत ज्यादा चेंज आया है। इनका कहना है कि इन्फ्लेशन डिमांड्स को मीट करने के लिए चेंजेस ये कर रहे हैं। और जो इन्होंने स्पीच दी थी इनके मिनिस्टर ने, वो तो काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स के फेवर में थी। लाइक हर तरीके से यही कह रहे थे कि आयरलैंड में जो लैक ऑफ स्टाफ है अलग अलग फील्ड में, उसे बढ़ाने के लिए ये ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशन ऐड कर रहे हैं इस लिस्ट में। तो वो तो प्रो इमिग्रेशन वाली थी, प्रो इमिग्रेंट फ्रेंडली थी, तो ये एक अच्छी चीज है। बाकी ये जो सैलरी बढ़ाई है ये थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करा है कैसे नहीं करा है, क्योंकि जो बेसिक छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं वो इतनी सैलरी देना अफोर्ड, चलो मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे आता हूँ। बाकी जो क्रिटिकल, पहले तो मैंने 43 बताया, वो जनरल एम्प्लॉयमेंट में ऐड कर दी ऑक्यूपेशंस। क्रिटिकल स्किल्स में 11 न्यू ऑक्यूपेशंस ऐड हुए हैं, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट इंजीनियर्स, कमर्शियल मैनेजर्स और ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये सब पहले नहीं थे। ये मैं काफी, मतलब तीन ही बताया मैंने, पूरी लिस्ट जो है ना मैं एक डिस्क्रिप्शन में वो डाल रहा हूँ, लिंक डाल रहा हूँ, वहां पे जाके आप देख सकते हो कौन कौन से ऐड हुए हैं, कौन कौन से पहले थे। तो ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स में शॉर्टेज चल रही है उसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने 11 और ऑक्यूपेशंस ऐड कर दिए, क्योंकि वो जरूरत लग रही थी, इन्हें कर दिए इन्होंने। तो अब इसके थोड़े बेसिक एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। तो बेसिक एडवांटेजेस पे आ जाते हैं इसके। जो क्रिटिकल स्किल्स की शॉर्टेज हो रही थी ये उस गैप को फुलफिल करेगा। तो इंटर्न काफी ज्यादा जॉब्स इंक्रीज होने वाली हैं, अभी इमिग्रेंट्स वगैरह जो भी आ रहे हैं उनके लिए जॉब्स मार्केट में ऐसा एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि बढ़ेंगी और आने वाले टाइम में। एक तो ये चीज हो गई, फिर डाइवर्सिटी, नॉन यूरोपियन लोगों को फेवर करने के लिए बनाई है ये पॉलिसी इन्होंने पूरे, क्योंकि बाहर से जितने इमिग्रेंट्स आते हैं वो ही ऐसे इन सेक्टर्स में काम करते हैं। आयरिश लोगों में तो शॉर्टेज चल रही है इसलिए बाहर से लोग बुला रहे हैं, तो डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ेगा इनका। फिर इनका एक और एम ये है, जो इनकी हाउसिंग क्राइसिस अभी आयरलैंड में चल रही है उसको पुश करने के लिए इलेक्ट्रिशियंस और जो जो लोग चाहिए होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, उनका ऑक्यूपेशनल परमिट चेंज करा है इन्होंने, ताकि इनके काम और लोग आए वहां पे घर बनाने के लिए, तो उसे ये मैसिव बूस्ट देना चाहते हैं अभी। ये एक एडवांटेज है, ये मैं अभी खाली उनके लिए बता रहा हूँ आयरिश गवर्नमेंट को क्या एडवांटेजेस लग रहे हैं अपने लिए। फिर डिसएडवांटेजेस जो आयरलैंड में होंगे, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उन पे काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जो सैलरी थ्रेशहोल्ड उन्होंने बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ा दिया है, तो पता नहीं कि जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं कि वो अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये एक मेजर चैलेंज है। बाकी जो एग्री फूड सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर वाले होते हैं, उनमें एक चीज कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वहां पे भी, क्योंकि इतना ज्यादा मार्जिन तो होता नहीं, इतने प्रॉफिट्स होते नहीं है, तो वहां पे सैलरी कैसे बढ़ाएंगे, ये एक मेजर चैलेंज है इनके लिए। नेशनल स्टूडेंट्स जैसे आप लोग जो आ रहे हो उनपे क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मेन वीडियो तो आप ही के लिए है। बाकी तो आप लोगों पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, मैं दोनों डिस्कस कर लेता हूँ अभी। स्टार्ट करता हूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट से, पॉजिटिव इम्पैक्ट से स्टार्ट करूंगा मैं। तो जैसे कि 11 न्यू क्रिटिकल स्किल्स परमिट में ऐड हुए ऑक्यूपेशंस, 43 जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट में ऐड हुए हैं, तो ओवरऑल काफी सारे ऑक्यूपेशंस, मैं लिस्ट डाल दूंगा कौन सा क्या ऐड हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में अगेन जाके देख लेना एक बार। तो जितने भी ऑक्यूपेशंस ऐड हुए हैं उससे एक चीज तो साफ है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है आइलैंड में, कम नहीं हो रही है। गवर्नमेंट का सीधा सीधा प्लान है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना और स्टूडेंट्स को बुलाना कंट्री में, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। डिफरेंट सेक्टर्स में जैसे इंजीनियरिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, स्किल्ड ट्रेड्स हो गए, इसमें एम्प्लॉयमेंट आपको आसानी से मिलने लगेगी और ज्यादा। जैसे आयरलैंड में अभी जॉब मार्केट थोड़ा डाउन था, तो इसके बाद चेंज के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉब मार्केट अचानक से जंप मारेगा, तो जॉब्स आने वाली हैं वहां पे। डाइवर्सिटी का तो एक बेसिक वो है कि और ज्यादा आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखेंगे, खाली ऐसा नहीं लगेगा कि आप अलग आके रह रहे हो, तो ये तो एक बेसिक सा फैक्टर है डाइवर्सिटी, वहां पे हर मेजर कंपनी में डाइवर्सिटी इंक्लूजन होते हैं। बाकी जो एम्प्लॉयमेंट्स ऐड हुए हैं उससे आप लॉन्ग टर्म आइलैंड में रह सकते हो, तो आपका जो पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी होगा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आप वहां पे ज्यादा टाइम नहीं रहोगे तो आपको ऑब्वियसली रेजिडेंसी नहीं मिलेगी।
तो ये थोड़ा आसान हो गया क्योंकि बहुत सारे जॉब्स और ऐड हुई हैं, पहले वो जॉब्स नहीं थे तो आप कम टाइम के लिए वहाँ पे रह सकते थे। बाकी आपकी सैलरी पहले 32,000 थी मिनिमम, वो 38 हो गई है, 30,000 थी वो 34 हो गई, क्रिटिकल स्किल्स वाली बात कर रहा हूँ मैं, तो एक सेकंड। हाँ, तो ये आपकी सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी और 2025 तो ये सैलरी और बढ़ जाएगी आपकी, सैलरी आप अच्छी खासी कमा लोगे वहाँ पे। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या पड़ेंगे वो बता देता हूँ, ये पॉजिटिव थे, अब सारे नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं उनकी सैलरी रिक्वायरमेंट पहले काफी कम होती थी, अभी भी काफी कम होती है, तो जैसे ही आप अपना कॉलेज खत्म करोगे एंट्री लेवल जॉब्स पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि तो कंपनीज ट्राई करेंगी कि अगर थोड़े ज्यादा पैसे दे रही हैं तो हल्के से एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हायर करें, वो ऐसा माना जा रहा है, अभी जरूरी नहीं है, अभी गवर्नमेंट का कुछ बोला नहीं है इस बारे में कि ऐसे क्या करना है क्या नहीं करना। इसका यही मतलब है कि जॉब्स में आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है एंट्री लेवल जॉब्स में, कि आपको कंपटीशन ज्यादा मिलेगा क्योंकि थोड़े से एक्सपीरियंस लोग और आप दोनों सेम सैलरी के लिए कंपीट कर रहे होगे वहाँ पे। एक जो बहुत मेजर चेंज आने वाला है वो पार्ट टाइम पे भी आने वाला है आपके पार्ट टाइम जॉब्स में, क्योंकि अभी काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने पार्ट टाइम जॉब्स पे रिलाई करते हैं वहाँ पे, तो उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन वहाँ पे क्या होगी कैसे होगी इसमें अभी थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी अभी क्लियर नहीं है। अभी एक बार जब ये पॉलिसी लॉन्च हो जाए ना तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा, जैसे एक हफ्ता है अभी, एक हफ्ते के अंदर ये अपनी पूरी आ जाएगी पॉलिसी मार्केट में, तो तब क्या मार्केट रहेगा कैसा मार्केट रहेगा एक वीडियो में उसके बाद ही बनाऊंगा, लेकिन अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि ये पॉजिटिव न्यूज है नेगेटिव न्यूज है। तो यही है, लोग कह रहे हैं कि सैलरी ज्यादा मिलेगी, लेकिन अगेन एट द सेम पॉइंट जॉब्स में कॉम्पिटिशन में थोड़ा इंक्रीज होने वाला है एंट्री लेवल जॉब्स के लिए, और यही है स्टार्टअप्स वगैरह में थोड़ी दिक्कत आने वाली, क्योंकि स्टार्टअप्स इतने पैसे स्टार्टिंग में नहीं देते हैं, तो स्टार्टअप कल्चर आयरलैंड में एक बूमिंग सेक्टर है अभी, तो काफ़ी ज़्यादा लोग स्टार्टअप्स में काम करते हैं, तो अगर स्टार्टअप पैसे नहीं देंगे तो स्टार्टअप्स वाली जॉब जो है वो कम होने लगेंगी, तो एक ये दिक्कत आ सकती है। बाकी मेरे हिसाब से तो सैलरी आप लोगों की बढ़ जाएगी अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और अगर थोड़े बहुत कंपेटिटिव हो आप, तो नौकरी ढूंढना इतना आयरलैंड में अभी भी मुश्किल नहीं था, नौकरी मिल रही लोगों को वहाँ पे। तो यही है इस वीडियो में, बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना studentinireland.com studentinireland स्टाफ। मैं अभी एक ऑनलाइन मीटिंग प्लान कर रहा हूँ सारे दिन, मतलब बहुत लोगों के साथ, क्योंकि मैंने रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया studentinireland.com पे, आपने देखा होगा आपको रिप्लाई आ गया होगा, तो वहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, अगर आपको किसी से बात करनी तो जाकर लिस्ट देख लो कौन कौन है studentinireland.com में। नेक्स्ट वीक से मैं सारे कॉल्स करना स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा बहुत लेट हो गया था मेरे को, मेरी बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं, तो बाकी ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो studentinireland.com studentinireland इंस्टा, और हाँ सही है, बाय।